अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग सब टेक केयर खैरियत से हैं। वेलकम टू नीलो किचन। नीलो किचन में आज बन रहा है कतली पालक दाल, जिसे पालक दाल बोल रहे हैं या कतली बोलते हैं, इंडियन डिश है ये भी। तो पालक कम से कम एक पाव, मूंग की दाल आधी प्याली, देखें एक प्याज, दो लहसुन के जोए, एक अदरक, 7-8 हरी मिर्ची और एक कड़ी पत्ता है और एक टमाटर। दाल डाली है मैंने, फिर मैं आधी प्याली हुई, आधी से थोड़ी सी ज़्यादा, देखिए थोड़ी सी दाल पिसी हुई पड़ी। ये देखिए मैंने दाल डाल दी, अब मैं मूँग ये पालक डालूँगी इसमें, कड़ी पत्ता हो गया, कड़ी पत्ता चले गया, लहसुन अदरक चले गया, ये देखिए हल्दी डाल रही हूँ आधी चम्मच, थोड़ी सी और डाल दो, आधी पौनी चम्मच डाल दी हल्दी, देख रहे चम्मच ना आधी प्याली से ज़्यादा ना दाल है, थोड़ी सी मतलब दाल उबली हुई पड़ी हुई वो डाल दूँगी, ठीक है। एक चम्मच सफ़ेद जीरा, ये रखने जा रहा है। अब हम ये जब पक जा रहे हैं, बस 10 से 15 मिनट में ये बिल्कुल सब चीज़ें गल जाएंगी, फिर इसको हम पीस के इसको कुटाई करके फिर इसके हम ढक्कन लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको ढक्कन लगा देंगे। दाल गल चुकी है, अब दाल में थोड़ी सी इसको मैश करना है, इसको मैं मैश करके फिर मैं बघार लगा के बताती हूँ। थोड़ी सी मैंने दाल वैसे ही उबाली ली थी, मैं आपको दाल वो भी डाल के बताऊँगी, ठीक है। ओके ये देखिए, इस दौरान मैं ना इमली देखा इमली डालूँगी, थोड़ी सी इमली बोल के 4-5 चम्मच कतली बन रही है, ये कतली मूंग की दाल को अलग या कतली बोल दे, बड़े मज़ेदार इंडियन डिश है ना। अब इसको मैं बघार डालूँगी, थोड़ा सा इमली का पड़ेगा, थोड़ा नमक डाला मैंने अभी एंड में डालते हैं इसको नमक में, अपनी दाल वाल सब गल जाए। इसको बघार लगा रही है, देखिए बघार, ये देखिए बघार लगा रही है। इसमें लहसुन डालें, सफ़ेद जीरा डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, रायता डालेंगे, एक चम्मच सफ़ेद जीरा डाले, थोड़ा सा आधा चम्मच, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, मज़ेदार बघार लगेगा इसका, कतली का बघार लगा रही है, ठीक है। और आधी चम्मच रायता, बहुत मज़ेदार ये राई जब फूटेगी ना इतनी खुशबू आती है, बहुत अच्छा बनती है दाल, बहुत मज़ेदार दाल चावल के साथ बघार ला रही है, मैं इसमें बघार ला रही है, देखिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये बघार लगा बिगड़ से, देखिए माशाल्लाह कड़ी कतली तैयार है। दाल पालक दाल बोलते हैं या कतली, इंडियन डिश है, दाल ये दाल ही बोलते हैं एक तरह से, इसका नाम है कतली। चावल के साथ खा जाती है, सूखे आप पापड़ शामी कबाब तल बना लें, अचार के साथ खा लें, बहुत मज़ेदार कतली तैयार है, ठीक है। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर दीजिएगा, सही है, और बेल आइकन के बटन को सेट कर दीजिएगा, ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।